गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपने कविता पढ़ा था आसमान में उड़ते पक्षी। आज उसका बुक वर्क करेंगे। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। पक्षी किनके साथ निश्चिंत होकर रहता था? किसके साथ? सुहृदय जनों के साथ, यानी अपने परिवार वालों के साथ। पक्षी प्रातः स्वागत करता है किसका? अतिथियों का, मित्रों का, पक्षियों का या रवि का? रवि का। यहाँ पर रवि का तात्पर्य सूर्य से है, सूर्य का। चारे के लिए पक्षी उड़ता है। चारे यानी खाने की खोज में पक्षी उड़ता है। कहाँ उड़ता है? भूख लगने पर, सूर्योदय पर, बच्चों के जागने पर, दाना दिखाई देने पर। सूर्योदय पर है ना, जब सुबह होती है, जैसे ही सूर्य उगता है, पक्षी अपने दाने की, अपने खाने की खोज में, चारे की खोज में पूरे आकाश में विचरण करता है। पक्षी के जीवन में परिवर्तन कब आया? कब आया? स्थान परिवर्तन पर, वर्षा आने पर, अपना घोंसला छोड़ने पर या पिंजरे में बंद होने पर। क्या होगा सही उत्तर? पिंजरे में बंद होने पर। उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया। जब तक वह स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, आकाश में विचरण करता था, मस्ती में रहता था, अपने परिवार वालों के साथ रहता था, जैसे ही वह पिंजरे में बंद हो जाता है, वैसे ही उसका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। अब उसे कैद होकर एक ही जगह पर रहना पड़ता है। इन शब्दों के तीन तीन पर्याय शब्द लिखें। तीन तीन पर्याय, पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द। जल, पानी, सलील, नींद, हृदय, वक्ष, उर, तीर, गगन, आसमान, आकाश, अंबर, पयोध, मेघ, बादल, पयोधर, सदा, हमेशा, हर वक्त, हर समय, हरदम भी होता है, सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर, जग, संसार, विश्व, जगत, पक्षी, खग, विहग, पंछी। आपको पता है पर्यायवाची शब्द, फिर भी मैं एक बार पढ़ दी हूँ, आप लोग इसका सही उच्चारण कीजिएगा। इन शब्द युग्मों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर शब्द युग्म दिया है, यानी दो युग मतलब जोड़ा, दो शब्द दिया हुआ है। इसे ध्यान से देखिए, क्या पता चलता है कि सुनहरा शब्द पिंजरे की विशेषता बता रहा है और सुखमय शब्द जीवन की विशेषता बता रहा है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं पिंजरा, सुनहरा पिंजरा। पिंजरा कैसा है? सुनहरा है, सोने के रंग का है। सुखमय जीवन, जीवन की विशेषता है। कैसा जीवन? सुखपूर्वक जीवन, सुखमय जीवन। ये शब्द संज्ञा की गुण एवं दशा का बोध कराते हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर सुनहरा और सुखमय दो शब्द दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर जीवन और पिंजरा का, दोनों का गुण बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। आप लोग विशेषण लेशन पढ़े हैं, विशेषण में आपको विशेषण के चारों भेदों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, इसका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग आप खुद करेंगे। यहाँ पर विशेषण शब्द दिया हुआ है, मैं संज्ञा शब्द बता दे रही हूँ, आपको इससे वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना है, दोनों शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना है। संतप्त हृदय, संतप्त यानी दुखी, जिसका हृदय, जो संबंध बहुत दुखित होता है, संतप्त हृदय। आप जब वाक्य बनाएंगे, संतप्त हृदय से वाक्य बनाएंगे। मलिन मुख, सुखकर जीवन, थकित मन, भीषण गर्मी, सुंदर जन। नेक्स्ट, कविता में प्रयुक्त ये शब्द दो दो अर्थ लिए हुए हैं, इनके ऐसे वाक्य बनाए कि दोनों अर्थ स्पष्ट हो जाए। वाक्य भी आपको अपने से बनाना है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, उसका दो दो अलग अलग अर्थ दिया हुआ है, जिसे हम लोग अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे सोना है, सोना का एक अर्थ होता है नींद से सो जाना, स्लीपिंग, और दूसरा सोना एक प्रकार का धातु यानी गोल्ड। इसके बाद है जग, ये जग है, जग का संसार होता है, और जग एक प्रकार का बर्तन जिसमें हम लोग पानी रखते हैं। नेक्स्ट है पास, पास का अर्थ होता है उत्तीर्ण, क्लास से पास हो जाना, और दूसरा पास यानी प्रवेश पत्र। जैसे हम लोग फिल्म वगैरह देखने या कोई थिएटर में जाते हैं तो हमें स्पेशल पास मिलता है कुछ लोग। पर, परंतु, और पर पराया भी होता है, पर का पंख भी होता है, ठीक है। तो आपको इससे वाक्य बनाना है, सोना से दो वाक्य बनाना है, एक नींद से सोना और दूसरा एक प्रकार का धातु से।
ठीक है, दोनों दो अलग अलग वाक्य बनेगा। ने का के की में पर आदि शब्दों का प्रयोग कविता की जिन पंक्तियों में हुआ है उन्हें ध्यान से पढ़ें। इन शब्दों को कारक या परसर्ग कहते हैं, इन्हें याद करें और प्रत्येक कारक चिन्ह के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाएं। इसे भी आपको करना है। आपने कारक पढ़ा है, कारक की विभक्तियों को भी पढ़ा है, अब आपको इनसे वाक्य बनाना है। आपको पता है कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, इसका वाक्य आप खुद बनाएंगे। इन शब्द समूहों में से कारक चिन्ह रेखांकित करके कारक का नाम लिखिए। चारे की चिंता, यहाँ पे की है संबंध कारक। जग के सभी सुख, के है काके की संबंध कारक का चिन्ह होता है। नभ में अधिकरण कारक कहलाता है। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों यानी कनक अर्थ होते हैं यहाँ पे सोने की तिल्ली। हा दुर्दे इसलिए संबोधन। फुनगी पर के झूले, पर में पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पयोद के पर्याय है, पयोद का पर्यायवाचक शब्द क्या है, पयोद का पर्यायवाचक शब्द क्या है, घन जलज नहीं, जल्दी में नहीं, जलद बादल। जलद और बादल पयोद का पर्यायवाचक शब्द है। सोना के दो अर्थ, नींद आना और एक धातु। पिंजरे में पड़कर जीवन बदल गया में कौन सा कारक है, में शब्द आता है किसका, आता है अधिकरण का। कैसा सुख में वह जीवन था, उचित विशेषण भेद छाटे इसमें। कैसा सुख में वह जीवन था, सुख में का कैसा और जीवन का वह, ये दोनों विशेषण जो है वो गुणवाचक विशेषण है। बुकवर्क आप समझ गए होंगे, वाक्य वगैरह आपको खुद से बनाने हैं। क्लास में मैं सबसे पूछूंगी, आप लोग होमवर्क पूरा कंप्लीट करके रखेंगे और जो भी डाउट होगा करके गूगल मीट क्लास में क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।